अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया, जैसे कि मैं निकाह के लिए गई थी रेडी होके, तो यहाँ पे निकाह हो गया था और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इमोशनल सीन चल रहा था और यहाँ पे ये बाबू रो रहा था। और फिर बारात जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए थे, तो ये मेरा बारात का लुक था और ये मेरा आउटफिट था, जो अगेन कोई शूट करने वाला नहीं था, तो मैंने खुद से वॉशरूम में जाके फ्रंट मिरर पे ऐसे मैंने शूट किया। आप देख सकते हो मैं वॉशरूम में शूट कर रही हूँ, तो किया मैंने। एंड यहाँ पे भी फिर मैं अगेन रूम में आके अपना दिखाने की कोशिश कर रही थी अच्छे से अपना आउटफिट, ताकि फुल दिख जाए, बट फुल नहीं दिखा। एंड यहाँ पे बारात जाने के लिए रेडी हो गए थे, जैसे कि दूल्हा का मतलब सेहरा लग चुका था, सब कुछ सवार हो चुका था, जाने के लिए रेडी था। यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे, तो सबसे पहले दूल्हे निकल रहे थे, यानी कि भाईजान बारात में बैठ गए थे, मतलब गाड़ी में बैठ गए थे, और फिर मैं बैठ गई थी नेक्स्ट गाड़ी में। तो फिर हम लोग निकल रहे थे, आगे जो कार जा रही है ना वो कार दूल्हे की थी, उसके बाद फिर हम लोग की थी, लाइन बाय लाइन हम लोग जा रहे थे। एंड बारात आ चुकी थी, तो यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा था। यहाँ पे कुछ रस्म हो रहा था, गीत हो रहा था, तो मैं स्टेज पे नहीं गई थी, मैं सिर्फ यहीं से शूट कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, तो नेक्स्ट डे वापस कोलकाता जाने की तैयारी हो रही थी और मैं रेडी हो गई थी, तो मैं अगेन अपना आउटफिट दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो नहीं हो पाया। गुड मॉर्निंग, सो अभी सुबह हो चुकी है और मैं काफ़ी दिनों बाद अपना मुँह खोल रही हूँ, मतलब शादी का घर होता है ना तो बोल नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैं वो सब वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सब कुछ हो चुका है, अब रुक सकती होगी और हम लोग इस होटल से चेकआउट करेंगे और बस, और फिर रिसेप्शन होगा तो मैं उसका ब्लॉग भी शेयर करूँ या फिर इसी में ऐड कर दूँ, एडिटिंग करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ, ये है मेरा आउटफिट सिंपल सा। सो या गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो। ओके बाय। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे सभी कोई, एंड मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू शूट कर रही थी, बहुत अच्छा व्यू था, मतलब क्लाइमेट अच्छा था, बारिश होने का थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने वो थोड़ा सा शूट कर लिया। एंड ये है हमारा रूम जो बहुत बहुत मेसी है, ये पूरा भी सेट करना है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए। और ये यहाँ पे मैं हूँ, हाय। सो ये मैंने सिंपल सा आउटफिट पहना है जो बहुत ये हल्का है, इसलिए। और ये इस तरीके से, ये इसका फॉल सीलिंग। घड़ी बंद पड़ी है, इसमें अभी 8:30 हो रहा है। सो इवनिंग हो चुका था और बारात के लिए मैं रेडी हो चुकी थी, ये था मेरा आउटफिट अगेन रिसेप्शन का, तो ये मैं जा रही थी, मैं शूट कर रही थी।
ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही थी, जो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी भी माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी का बार बार यहाँ पर नथ गिर रहा था, क्योंकि उनका नोज पीसिंग नहीं हुआ है, इसलिए उनका बार बार नथ गिर रहा था। वो सिर्फ ऐसे ही अटकाई हुई थी, इसीलिए बार बार उनको ठीक करना पड़ रहा था। यहाँ पे ये जो सिंगर आए हुए थे, मुझे लगा कि साउंड मतलब हो रहा होगा, बज रहा होगा, बट ये सिंगर थे, इतना अच्छा गया था कि मैं बार बार उनका ही रिकॉर्ड कर रही थी। और ये हॉल का फुल व्यू था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड फिर हम लोग खाने के साइड आ गए हैं, तो हम लोग ऊपर डिनर करने आए थे, तो फिर वो कर लेते हैं। और व्यू मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करी थी, डेकोरेशन इतना ज़्यादा प्यारा था ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। कुलचा है, नान है, अच्छा इधर देखो, अच्छा कौन सा बोल, ये नान है, ये पराठा है, ये कुलचा है। गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सो कैसा लगा फुल वेडिंग ब्लॉग, आप लोग बताना। तो आगे की ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सो तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइज, बाय।